सो गाइस दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया इंसर्ट वीडियो एडिटिंग ऐप में गेमिंग वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि पबजी का मंटाज, इसके अलावा फ्री फायर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, BGMI के वीडियो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना होगा। सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को इंसर्ट वीडियो एडिटर ऐप में। तो अगर आपके पास इंसर्ट नहीं है तो इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इंसर्ट ओपन करने के बाद आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप न्यू के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से अपना जो वीडियो उसको सबसे पहले ऐड करेंगे। तो मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा गेम प्ले वीडियो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो गेम प्ले वीडियो उसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कैनवास, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे डन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आ चुका है, यानी कि यूट्यूब के एस्पेक्ट रेशियो में। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है फिल्टर पर। सो फिल्टर पर आने के बाद आपको आ जाना है एडजस्ट पर। एडजस्ट पर आने के बाद सबसे पहले ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे 10% तक, कॉन्ट्रास्ट को आपको इंक्रीज़ करना है अराउंड 25% तक, और यहाँ सब सेचुरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। एंड उसके बाद आपको आ जाना है HSL पर आने के बाद सेचुरेशन पर आ जाना है, और इसका जो अमाउंट है उसको आप यहाँ पर ऐसा करेंगे सो इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप माइनस कर लेंगे और कुछ इस तरीके से बाकी सबको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। सो इसको आपको माइनस नहीं करना है, लेकिन इसको आपको माइनस जो है कर लेना है। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे और अगेन आप जो ऐसा करेंगे। सो अगर आप स्काई का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसका जो अमाउंट है उसको चेंज करके आप स्काई का कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो एंड उसके बाद इसका अमाउंट भी आप इन सब का अमाउंट जो है कम कर लेंगे, नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। और लुमिनेंस को आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, इसको कर देंगे डन। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा शार्पन, इस पर आ जाना है। इसका अमाउंट आपको इंक्रीज़ करना है अराउंड 50% तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो कलर ग्रेडिंग हो चुका है, उसके बाद इसको कर देंगे डन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है फिल्टर पर। सो फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको आ जाना इफेक्ट पर। इफेक्ट पर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर सारा इफेक्ट मिल जाता है। सबसे पहले मिलता है स्लो जूम, आप यहाँ से स्लो जूम को अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको कर देंगे डन। इसका अमाउंट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसका आप इस साइड पर इसका जो टाइम लाइन उसको बड़ा कर सकते हो, नहीं ये कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर अप्लाई होगा। सो इसको हम छोटा कर लेते। उसके बाद आपको अगेन आ जाना इफेक्ट पर, और यहाँ पर आपको मिलता है जूम, जंप जूम, और ये मिलता है स्क्रीन शेक इफेक्ट। तो इसको आप अप्लाई कर लेंगे, इसका अमाउंट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर आ जाएगा स्क्रीन शेक इफेक्ट। उसके बाद आप अगेन इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर और भी इफेक्ट मिलता है। सो कुछ इस टाइप का आप रोटेट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इसको कर देंगे डन। इसका अमाउंट आप यहाँ से सॉरी टाइमलाइन को छोटा कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अगेन आ जाना है यहाँ पर इफेक्ट पर, और इफेक्ट पर आने के बाद अभी आपको आ जाना है ग्लिच पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्लिच इफेक्ट मिलते हैं। कोई भी ग्लिच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। सो यहाँ पर आपको देख सकते हो 8GB ग्लिच इफेक्ट मिलता है, सो इसे आप अप्लाई कर सकते हो। इसका अमाउंट आप बिल्कुल कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी वीडियो पर 8GB इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद आपको अगेन आ जाना इफेक्ट पर, और यहाँ पर आपको ग्लिच पर आ जाना, और यहाँ से भी वाला ग्लिच को अप्लाई करेंगे, इसको कर देंगे डन। इसका अमाउंट आप यहाँ से यानी कि टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हो। अगेन आप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्लिच पर आ जाएंगे, और यहाँ से कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको मिलता है फेड इफेक्ट, आप यहाँ से कुछ इस टाइप का फेड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने गेम प्ले वीडियो के बीच बीच में। सो ब्लैक एंड व्हाइट, इसके अलावा ब्लर मिलता है, तो कुछ इस टाइप का काफ़ी सारा जो फेड इफेक्ट मिल जाता है। सो जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। बीट्स पर आपको आ जाना, यहाँ पर आपको बीट इफेक्ट मिलता है, आप कोई भी बीट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो बीट इफेक्ट आ चुका है। अगेन आप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, बीट्स पर आ जाएंगे, आप यहाँ से शेक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो कुछ इस टाइप का। उसके बाद आपको अगेन आ जाना इफेक्ट पर, और यहाँ पर आपको मिलता है बीट्स, आप इस पर अगेन आ जाएंगे, और यहाँ सब व्हाइट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8GB इफेक्ट मिलता है, देन आपको रेट्रो मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर रेट्रो 2 मिलता है, एंड सेलिब्रेट पर आपको आ जाना, और यहाँ सब कुछ इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसको कर देंगे डन। तो ये हमने अपनी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर लिया। सो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाया, तो जितने भी इफेक्ट मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए वो सारा इफेक्ट कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो पर आ जाएगा, और आप देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर हमने वीडियो एडिटिंग कर लिया। तो मैंने जस्ट आपको अप्लाई करके दिखाया, लेकिन आपको जहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली आप उसी जगह पर ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं आपको अप्लाई करके दिखाई है
एग्जैक्टली उसी तरीके से आप अपने वीडियो पर अप्लाई करो, तो ऐसा आपको उकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद इसको कर देंगे डन। तो कुछ इस तरीके से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो इनशॉट के अंदर। इसके अलावा आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना जो वीडियो उसको काफ़ी शानदार तरीके से जो है कलर ग्रेडिंग किया। सो आप देख सकते हो हमारा वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रोफेशनली एडिटिंग किया गया है इस वीडियो को। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक वगैरह अगर आपको ऐड करना है तो म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। सो मैंने अपना म्यूज़िक ऐड कर लिया। इस तरीके से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे की तरफ लेके जा सकते हो। उसके बाद इसको कर देंगे डन। तो कुछ इस तरीके से आप इनशॉट के अंदर गेमिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया कैसे क्या करना है। सो इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, इसके लिए सेव के ऊपर क्लिक करना है और 4K आप सिलेक्ट कर लेना, 60 FPS सिलेक्ट कर लेना। सेव के ऊपर क्लिक करना तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।